बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप परेशान हैं कि आपकी YouTube का जो चैनल का नेम है वो सर्च इंजन में क्यों नहीं आ रहा, आपकी वीडियोस में जो है व्यूज कम है, और ये किन वजूहात की वजह से है? जब आप वीडियोस जो है वो अपलोड कर ले, अगर आपने किए 10 या 12 या 20 वीडियोस अपलोड कर चुके हो लेकिन फिर भी व्यूज नहीं आ रहे। और दूसरी सबसे बड़ा जो मसला है, क्योंकि आप नए यूट्यूबर्स हैं और आप जो है अपना यूट्यूब का नेम जब किसी दोस्त को रिकमेंड करते हैं, जब वो सर्च इंजन में जो है अपन यूट्यूब का नेम जो है वो लिखता है तो वो सर्च इंजन में नहीं आ रहा होता। तो ये आज का जो है बड़ा ही अहम टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे बड़े ही डिटेल के साथ। इसमें शॉर्ट जो है वो कीवर्ड्स और लॉन्ग कीवर्ड्स को भी जो है वो मैं टारगेट करूंगा कि अगर आपने मिसाल के तौर पर कुकिंग का जो है वो चैनल बनाया है या ब्यूटी पार्लर का चैनल बनाया है या कोई भी है, तो आप अपने यूट्यूब के रिलेटेड जो है वो कीवर्ड्स कैसे जो है वो आपने लिखने हैं, आपने वो यूट्यूब की कौन सी खुफिया सेटिंग्स होती है जो कोई भी नहीं बताता, जिसको आपने जाके किस तरीके से राइट करना है और किस अंदाज से लिखना है ताकि आपका यूट्यूब का जो है वो चैनल सर्च इंजन में आए और आपकी वीडियोस जो है वो रिकमेंडेड में जो है वो आ जाए। दिस इज अमजीत और आप देख रहे हो मेरा चैनल यूट्यूब मास्टर ट्रेनर। चलते हैं आज की अपनी इस वीडियो की तरफ, लेकिन इससे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यूट्यूब मास्टर ट्रेनर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो मेरे पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे उसे फुली सपोर्ट हासिल होगी और इसे व्हाट्सएप के जरिए से जो है वो मैं ज्वाइन करूंगा और उसके ग्रुप में शामिल करने का ये फायदा होगा कि आपको कोई भी मसला होगा अपने यूट्यूब के चैनल के हवाले से वो मैं सारे सवाल जवाब और डिस्कस जो है वो किया करूंगा अपने व्हाट्सएप के जरिए से। तो बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, लेकिन उससे पहले जाने से पहले मैं बता दूंगा कि अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में जो है वो थोड़ी सी सेटिंग अलग होती है कि उसमें आपने कैसे करना है। आपने अपने जो है वो मोबाइल कोई सा भी हो, वहां पर जो है गूगल क्रोम का ऑप्शन होगा, गूगल क्रोम को आपने ओपन कर लेना है और याद रखना है गूगल क्रोम में जो आपका चैनल जिस जीमेल आईडी से आपने अपना चैनल बनाया था उसी से आप लॉग इन होंगे, और क्रोम के सेटिंग में आपने जो क्रोम के सर्च इंजन के बार पे आपने लिखना है studio.youtube.pk और साथ जो है वो आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपका चैनल जो है वो आ जाएगा। तो मैं आपको ले जाता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वहां पर आपको जो है वो A to Z जो है वो सारी चीजें जो है वो डिफाइन करूंगा कि वो कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जिसको आपने करनी है और जिसको आप करके अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। जी दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो यहां पर लेफ्ट साइड राइट साइड पे आपको जो है आपने क्लिक करना है, और जैसे कि राइट साइड पे आप क्लिक कर लोगे, मैं बैक जाके आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा दोबारा, आपको इस तरह समझ नहीं आनी। जैसे कि ये चैनल है मेरे पास, जैसे आपका ओपन होगा तो यहाँ पर आके देखें यूट्यूब स्टूडियो लिखा हुआ है, आपने जो है वो यूट्यूब की स्टूडियो को जो है वो क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके लेफ्ट साइड पर नीचे करके सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, आपने सेटिंग को जो है वो सिलेक्ट कर लेना। जनरल में आपने $ इसी तरह रहने दे, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है चैनल का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बेसिक इन्फो जो है वो आपने ये जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ये आपने किस तरीके से लिखने हैं ये मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो ये इसे कहते हैं चैनल कीवर्ड्स, ठीक है, और ये बहुत अहम है, आपके चैनल से रिलेटेड जो हैं वो कीवर्ड जो है वो होने चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरे कुकिंग का चैनल है, ठीक है, तो कुकिंग के चैनल में देखे मैंने यहाँ पर लिखा कुकिंग, मैं सिर्फ कर देता हूँ कुकिंग मैंने लिखा, और यहाँ पर देखे मेरे पास जो है वो साथ ही कितने कीवर्ड जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब मैंने इन सारे कीवर्ड्स को आपने पहले तो नोट कर लेना है, ठीक है, जो जो मशहूर कीवर्ड्स ये वो हैं जो सर्चिंग में आ रहे होते हैं। मैं सिर्फ कहता हूँ कुकिंग वीडियोस, अब पहले मेरे कीवर्ड्स आ गया कुकिंग वीडियोस, ठीक है, मैंने इस कुकिंग वीडियोस को जो है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैंने अपने इस चैनल पे जो है वो पेस्ट कर देना, ये मेरा कीवर्ड जो है वो यहाँ पर लग चुका है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, एक तो कीवर्ड जो है वो आपने इस तरीके से जो है वो सर्च कर लेने हैं, ये एक ये तरीका है सर्च करने का, और उसके बाद एक कुछ टूल्स होते हैं जो जो के वो आपने डाउनलोड करने होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो साथ साथ आपको बयान कर दूंगा। अच्छा, एक तो यही तरीका है कि गूगल से आपने गूगल जो है वो गूगल से भी आप अपने कीवर्ड जो है वो सर्च कर सकते हो, और यूट्यूब से भी, यूट्यूब में ये जो आपको सामने कीवर्ड्स आ रहे हैं इन सारों को जो है वो आपने लिख लेना है और इन्हीं कीवर्ड्स को अपने उठा के जो है वो उसको पेस्ट करना है, एक चीज़ ये याद रखनी है। दूसरी, आपने चले जाना है अपने गूगल पे, गूगल पे आप लिख देते हो कुकिंग वीडियोस। अब देखिए कुकिंग वीडियोस एक जो है वो समझ लगे शॉर्ट जो है वो कीवर्ड्स है, जैसे मैं कुकिंग वीडियोस लिखता हूँ तो यहाँ पर आके आपको मैं नीचे जो समझाना चाह रहा हूँ
वो फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर रिलेटेड सर्च में जो है वो क्या आ रहा है, स्मॉल कुकिंग आर्टिकल अबाउट कुकिंग, कुकिंग बैनर, ये तो गूगल से रिलेटेड है, लेकिन ये चीज़ें आपने इस तरह नहीं लिखनी। आपने वो चीज़ तलाश करनी है जो यूट्यूब से भी रिलेटेड हो। जैसे यहाँ पर नीचे देखें, बेस्ट कुकिंग वीडियोज़, शॉर्ट कुकिंग वीडियोज़, ठीक है, यूट्यूब मोस्ट पॉपुलर कुकिंग वीडियोज़ रेसिपीज़। अब जैसे ये एक लॉन्ग कीवर्ड्स है, इसको जो है वो आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है, इसको कॉपी कर लें या लिख लें। जैसे कुकिंग फूड आ गए, कुकिंग रेसिपी आ गई, बेस्ट कुकिंग वीडियोज़ आ गई, ये आपने जो है वो नोट कर ली। उसके बाद यहाँ पर देखें कीवर्ड जो है वो आ रहे हैं मेरे पास, कुकिंग वीडियोज़ रेसिपीज़, ठीक है, ये वही कीवर्ड्स हैं जो गूगल में तकरीबन आ रही होती हैं, कुकिंग वीडियोज़ रेसिपीज़, यूट्यूब कुकिंग वीडियोज़। अब ये कीवर्ड है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको जो है वो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कुकिंग रेसिपी, कुकिंग रेसिपीज़ इन उर्दू, कुकिंग रेसिपीज़ किड्स अहमद और सुबान, ये चैनल का नाम है और ये आपने अपने चैनल का नाम लाजमी लिखना है। और किस तरीके से लिखना है, एक तो आपने इस तरीके से लिखना है, दूसरा आपने हैश के साथ लिखना है, किड्स अहमद और सुबान, ठीक है। आपने ये दो तरीके से अपने चैनल का नाम जो है वो लाजमी क्रिएट करोगे, इस तरीके से आपका जो है चैनल का नाम आपके जो है वो सर्च यूट्यूब के सर्च में जो है वो आ रहा होता है। अब कुकिंग से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपने नोट करके यहाँ पर जो है वो 500 से कम होने चाहिए वो आपने लिख देने हैं, जैसे कुकिंग वीडियोस इन उर्दू, ठीक है, ये कीवर्ड्स है। इसी तरह आपने कीवर्ड जो है वो बहुत सारे जो है वो देख लेने हैं। अब कुकिंग फूड्स वीडियो, अब ये एक कीवर्ड्स है, कुकिंग फूड वीडियोस, कुकिंग फ्री वीडियोस, ठीक है, सॉरी, अच्छा, कुकिंग फूड वीडियोस, ये कुकिंग, अच्छा, ये आप लिखने के बाद अब आपको समझ आ रही होंगी कि मैंने कुकिंग का एक चैनल बनाया मिसाल के तौर पर, तो कुकिंग से रिलेटेड ही मैंने अपने चैनल के कीवर्ड्स में ये चीज़ें लिखनी हैं। अब ये नहीं है कि कुकिंग की रेसिपी हो और आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखना शुरू कर दें या आप यहाँ पर फैशन और हेयर स्टाइल की बात करना शुरू कर दें, तो इस तरीके से कभी भी नहीं करना। इस तरह आपका चैनल भी नहीं आना जो है वो सर्च इंजन में और ना ही आपकी वीडियो जो है वो सर्च इंजन में आनी है। एडवांस सेटिंग में जो है वो आपने चले जाना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नो सेट है आपने इसको नो ही करना है, यस नहीं करना। यस करेंगे तो सिर्फ बच्चों तक महदूद रहेगी, इसलिए हमने सब में जो है वो तक पहुँचानी है, तो यहाँ पर आपने नो कर देना है। फीचर में आपने जो जब जाना है तो ये याद रखें यहाँ पर ये जो है एलिजिबिलिटी जो है ये होनी चाहिए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, वेरीफाई अपने फ़ोन नंबर को कर लेना है। जब आप अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई लाजमी करना है, जब वेरीफाई नहीं करेंगे तो 15-20 मिनट की वीडियो जो है वो अपलोड आप नहीं कर सकते हो। जी ये आ गया है, तो इसमें आपने जो है अपना फ़ोन नंबर जो है यहाँ पर ऐड करना है और पाकिस्तान भी लिख देना है। यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट में आपको एक मैसेज आएगा, फिर कोड हो गेट कोड जैसे करोगे तो कोड आके आपने उसको वेरीफाई कर लेना, तो इस तरह आपको ये जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, अपलोड जो डिफ़ॉल्ट में आपने क्या करना है, टाइटल को आपने नहीं छेड़ना, डिस्क्रिप्शन में आपने अपना जो है यूट्यूब का नाम जो है वो लाजमी डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है। और ये डिस्क्रिप्शन जो है वो कैसे बनानी है, उसके लिए भी आपने एक दो चीज़ें जो है वो उसको मद्देनज़र रखना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर